ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही हुआ कि 14 तारीख को दिवाली का पर्व आने वाला है और ये हम तांत्रिकों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, क्योंकि इस समय हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हम उपाय करेंगे उसमें 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा अपने ऊपर बनाने के लिए कौन सा उपाय करें। आपको दिवाली के दिन कहीं से भी कमल का पुष्प अर्जित कर लेना है, क्योंकि कमल का फूल माँ भगवती को अति प्रिय है। जहां पर यह कमल का फूल होगा उस दिन वहां पर वो विराजमान हो जाएंगे। और ये जो मैं आपको यंत्र दे रहा हूं, इन यंत्र की बाती बनाकर आपको 5 दिए लगाने हैं, कमल का फूल बीच में रख के मंदिर में अपने, और उसके बाहर बाहर 5 दिए लगाए इन यंत्र के। तो सदैव के लिए माँ भगवती आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और जो भी आपका मनोरथ है वो भी स्पष्ट करें कि मुझे ये चाहिए और ये मेरी परेशानी है, ये सारी दूर हो जाए। यकीन मानिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने का इससे अच्छा टोटका और कोई नहीं है, इससे सरल और इससे अच्छा टोटका आपको मिलेगा ही नहीं। और जो है, दिवाली के दिन आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घर को रोशनी से भरें, कहीं पर भी अंधकार ना रहे। जहाँ पर अंधकार रहता है वहाँ पर नेगेटिविटी आती है। तो आप दिवाली से पहले पहले अपने घर को इतना जगमगा दें कि माँ भगवती को और कोई घर दिखे ही ना, सीधे आपके घर में आ जाए। और आप सब जानते हैं कि जो लक्ष्मी है वो चंचला है, तो एक जगह पर रहना उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन इस प्रयोग के बाद वो युगों युगों तक आपके घर में बसी रहेंगी। बस ये प्रयोग आपको दिवाली की रात में करना है, 10 या 11 बजे के बाद, मतलब आधी रात से पहले पहले, लेकिन 10 या 11 बजे के बाद। तो ये प्रयोग करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी हो जाएंगी। और अगर कुछ पूछना हो तो कॉल कीजिएगा 999-2861625 पर। थैंक यू।